हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्यूशन का दूसरा दिन है और हम लोग आज कंसंट्रेशन के आगे के हिस्से को देखेंगे। सबसे पहले कॉपी और पेन सामने होना चाहिए, कलर्ड पेन होना चाहिए, फेयर कॉपी लिखना है, समय देना है, पूरा समय देना है। कल हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन के बारे में और कंसंट्रेशन के भी पहले टर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे, मास परसेंट के बारे में। उसी को हम आगे बृहद पैमाने पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मास परसेंट जो कल हम लोग देखे थे वो तो हम लिमिटेड मैनर में पढ़ाए थे। यहाँ पर मास परसेंट के बारे में हम लिखे हैं कि मास परसेंट तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। मास परसेंट कैसे तीन तरीकों से लिखा जा सकता है? कभी कभी आप देखोगे कि मास परसेंट के आगे एम बाय एम या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा होगा, कभी कभी मास परसेंट में एम बाय भी या फिर डब्ल्यू बाय भी लिखा होगा, कभी कभी मास परसेंट में भी बाय भी या फिर उसी को हम लोग वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं, जो कि सेकेंड था मास परसेंट के बाद वाला हिस्सा। तो हम लोग उन तीनों को समझते हैं। ये है क्या, यदि मास परसेंट पूछा है और वो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है तो दैट मीन इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट अगर डब्ल्यू बाय वी लिखा हुआ है तो दैट मीन इज मास परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर वॉल्यूम परसेंट लिखा है, जो कि अपने को पढ़ना है वॉल्यूम परसेंट, तो दैट वन इज वॉल्यूम परसेंट वी सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि तीनों परसेंटेज ही है, लेकिन W by W करने का मतलब ऊपर और नीचे दोनों मास रहे, W by V करने का मतलब ऊपर मास रहे और नीचे वॉल्यूम रहे, और V by V करने का मतलब हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों वॉल्यूम ही रहे। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, सामान्य तौर पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग देखते हैं अगर ये इसका जो यूनिट ये ग्राम है तो ये भी ग्राम, ये किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम, ये मिलीलीटर तो ये भी मिलीलीटर, ये लीटर तो ये भी लीटर। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो उस परिस्थिति में क्या देखेंगे कि मास जो होता है सामान्य तौर पर हम लोग ग्राम में लेते हैं तो वॉल्यूम मिलीलीटर लेंगे, यानी कि कंपैरेटिव जो यूनिट होता है मास का और वॉल्यूम का वो ग्राम और मिलीलीटर होता है। यदि ये किलोग्राम में लेंगे तो ये लीटर में लेंगे, ऐसा देखा जाएगा। हम लोग का जो स्कोप है हम लोग वहां तक जानते हैं। तो कल जो हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए थे दैट वाज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट था डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन था। आप आज जो हम लोग करेंगे इन दोनों पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर क्या है। तो चलो यहां पर इतना जगह छोड़ो और इतना जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखो। आप क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे ए देकर लिखो 12% सॉल्यूशन, 12% सॉल्यूशन ब्रैकेट में W बाय W, 12% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, इन वाटर। बी देकर लिखो 25% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ब्रैकेट में W बाय V, ब्रैकेट में W बाय V इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर। ए जो आप लिखे हो ए में आगे आप बढ़ा देना इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, और बी में आप बढ़ा के लिखो इन 800 मिलीलीटर सॉल्यूशन, बी में आप बढ़ा के लिखो इन 800 मिलीलीटर सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन कि ए जो था इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको 500 ग्राम, और बी जो है वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 800 मिलीलीटर, इज इट ऑर नॉट। उसी के बाद यहां पर लिखा हुआ है मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट जो है, मास परसेंट कौन सा, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दैट इज 12%, और यहां मास परसेंट जो दिया हुआ है दिस इज डब्ल्यू बाय बी एंड दैट वन इज 25%। सही है। तो यहां पर पूछा जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूट मींस यूरिया नथिंग 500 का 12%, 500 ग्राम टोटल है उसका 12%, 500 का 12% मतलब 60 ग्राम, हो गया आंसर। सही है। तो यहां पर पूछा जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूट दिस इज 100 मिलीलीटर, यहां पर बड़ा अजीब 100 मिलीलीटर का 25%, तो दिस इज 200, लेकिन यहां मिलीलीटर नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ग्राम। क्यों?
क्योंकि ये मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये ग्राम में, तो ये न्यूटन डब्ल्यू बाई वी इस रूप में है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो नजर छोड़ने के बाद, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज, कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज दैट शुड बी एडेड, दैट शुड बी एडेड इन वाटर, that should be added in water to make its 10% bracket में W by V, to make its 10% W by V solution। ये क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास परसेंट दिया हुआ है, दैट इज 10%, बट दिस वन इज डब्ल्यू बाई जी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉल्यूट का वजन कितना होगा, सुक्रोज का वजन कितना होगा। ये भी सिंपल है, मास ऑफ सुक्रोज इज इक्वल्स टू 800 का 10% मीन्स वॉट 80 ग्राम, यानी कि 800 मीटर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हम लोगों को उसमें 80 ग्राम चीनी मिलाना पड़ेगा, सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मास m by v या w by v परसेंट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम परसेंट जो नेक्स्ट था, इसको आप फिर से इतना जगह छोड़ के हेडिंग के रूप में लिखो, फिर से वॉल्यूम, फिर से हेडिंग के रूप में लिखो और इसको स्मॉल भी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी गिवन एज, ये दिया जा सकता है वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक क्वेश्चन इसको भी कर देते हैं, काफी आसान है, इस वजह से इतना जगह छोड़ के लिखो क्वेश्चन। 10 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज एडेड, 10 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज एडेड इनटू 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू मेक इट्स सॉल्यूशन, 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू मेक इट्स सॉल्यूशन, देन कैल्क वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन, देन कैल्क वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 10 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 40 मिलीलीटर एंड वी हैव टू डिटरमाइन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वी बी मीन्स 10 मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी इंटू 100। दिस वन 10 by 10 plus 40 into 100, this is 20%, यानी कि 20% सॉल्यूशन होगा। इतना जगह छोड़ के एक क्वेश्चन और लिखो आप, 10 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल, इतना जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखो, 10 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज एडेड इन वाटर, 10 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज एडेड इन वाटर टू मेक इट्स 40 मिलीलीटर सॉल्यूशन, to make its 40 milliliter solution then calc, to make its 40 milliliter solution then calc volume percent of the reacting solution, then calc volume percent of the reacting solution। क्या दिया हुआ है, जान के जानकारी दो कि दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर 10 मिलीलीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर 40 मिलीलीटर वाटर नहीं है, पूरा पानी और इथाइल अल्कोहल मिलाकर 40 हो गया। तो इस परिस्थिति में वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ बी 10 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 बराबर 25%, सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इतना जगह छोड़ो और अब जो है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एंड दैट वन इज मोलरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्पोर्टेंट, तो आप गौर से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मोलरिटी, और सिंपल सा चीज होता है जो कि हर जगह देखने को मिलता है। क्या होता है व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी है क्या? तो हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, जैसे कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिला दिए, ये सॉल्वेंट है और इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्वेंट सॉल्यूट मिला दिए, तो जो है ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये मान लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होता है, जितना मोल मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इज इट ऑर नॉट? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मोलरिटी, नथिंग एल्स। 1 लीटर सॉल्यूशन जितना मोल सॉल्यूट उसी को बोलेंगे मोलरिटी। जैसे कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 2 मोल सॉल्यूट है तो इसकी मोलरिटी 2 हो गई। 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल सॉल्यूट है, मोलरिटी 4। 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 3 मोल सॉल्यूट है, मोलरिटी 3। 1 लीटर सॉल्यूशन है, 10 मोल सॉल्यूट है, मोलरिटी 10। 5 लीटर सॉल्यूशन है, 2 मोल सॉल्यूट है, 5 लीटर सॉल्यूशन है, 2 मोल सॉल्यूट है, तो मोलरिटी 2/5 0.4। मतलब 1 लीटर में जितना सॉल्यूट रहता है उसको बोलते हैं मोलरिटी। 5 लीटर में 2 मोल था तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हो 2/5। 2 लीटर में 5 मोल सॉल्यूट है तो मोलरिटी कितना, 2 लीटर है उसमें 5 मोल सॉल्यूट है, 1 लीटर में कितना होगा, 5/2 means 2.5, molarity is equals to 2.5। मतलब इस तरह से अगर आप देखते हो, विजुलाइज कर रहे हो कि 1 लीटर सॉल्यूशन हो और उसमें जितना मोल सॉल्यूट हो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, मोलरिटी, नथिंग एल्स। क्लियर है? तो अब भी फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, 500 मीटर सॉल्यूशन है और उसमें 2 मोल सॉल्यूट है, तो 500 मीटर में 2 मोल तो 1 लीटर में कितना, डबल, मतलब 4 मोल, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू 5। 200 मिलीलीटर में 2 मोल है तो 1 लीटर में कितना, 200 मिलीलीटर से 5 गुना होता है 1 लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर, तो 200 मिलीलीटर में 2 मोल सॉल्यूट है तो 1 लीटर में कितना होगा, 5 गुना, मतलब 2 गुना 5, मतलब 10 है, मोलरिटी इज इक्वल टू 10। 10 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, 10 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट है तो 1 लीटर में कितना होगा, 2/10 मीन्स 0.2। मतलब 1 लीटर में जितना मोल सॉल्यूट होता है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मोलरिटी। यानी कि मोलरिटी के बारे में हम लोग लिखेंगे, इट कैन बी गिवन एज, ये दिया जा सकता है, मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute NB are divided by volume of solution in liter। ये important है कि volume जो है solution की वो liter में होनी चाहिए और इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, molarity। This is molarity। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप बताओ, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर निकालना रहेगा तो मोलरिटी को वॉल्यूम से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल आ जाता है। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, इतना लिखो आप, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन करते हैं। इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज दैट हैव टू बी एडेड इन वाटर, that have to be added in water to make its 5 liter of 2 molar solution, 5 liter of 2 molar solution, 5 liter of 2 molar solution। तो ये दो फॉर्मूला ही लगना है यहाँ पर, मोलरिटी उस नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन सॉल्यूशन।
इन लेटर, तो इन्हीं दोनों को लिख लिख के हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या क्या काम है कि दिया हुआ है डाटा की गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 5 लीटर और मोलरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन की मोलरिटी दिस वन इज 12। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना। तो मोलरिटी करने का मतलब क्या होता है, मोलरिटी अगर 2m है तो हम तो ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन मोलरिटी करने का 2m करने का मतलब क्या, 2 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल, 5 लीटर में कितना हो जाएगा, आप सीधे बता दो 2 × 5 = 10 मोल, सही है कि नहीं। ये 2 मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में 2 मोल, तो 5 लीटर में कितना, 5 × 10, या फिर फॉर्मूला से भी आप अगर बनाते हो तो दिस इज मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर 2 × 5, तो इस तरह से भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मेड अप बाय मिक्सिंग, that is made up by mixing 117 gram of NaCl, that is made up by mixing 117 gram of NaCl in water to make its 4 liter solution, 117 gram of NaCl in water to make its 4 liter of solution। तो क्या चीज दिया हुआ है, given वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 4 लीटर और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है दैट इज 117 ग्राम। आप सोचो NaCl है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23.5, क्लोरीन का 23 ग्राम और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया 0.5 और ये 58.5 ग्राम, सही है। तो यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 58.5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना, गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 2 मोल, सही है। तो इस तरह से मोलरिटी बराबर होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स है कितना अपने पास 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 बराबर 0.5 है, सही है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इतना देर छोड़ने के बाद कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया That have to dissolve in water to make its 2 liter of 3 molar solution, to make its 2 liter of 3 molar solution। यहां पर दिया हुआ है volume of solution कितना 2 liter और molarity कितना दिया हुआ है 3m, तो यहां से अपने को पता चल जाएगा चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऐसे भी हमने बताया था कि मोलरिटी करने का मतलब क्या, 3 मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में 3 मोल, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 मोल। अब आप जानो कि मोलर मास ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम, यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला है NH2C(OOH)2, तो 14, 15, 16, 32, ये कार्बन का 12 और 16, तो दिस इज 60 ग्राम। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल पता है, मोलर मास पता है, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल गुना मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल है कितना 6 × 60 मीन 360 ग्राम, यानी कि वी हैव टू ऐड 360 ग्राम ऑफ यूरिया इन वाटर टू मेक इट्स 2 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। अब कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूं, दरअसल कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, इजी करने के लिए, इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर में कई अलग अलग तरह का सॉल्यूट दिखेगा, तो कुछ कुछ सॉल्यूट जो हमको अभी ध्यान में आ रहा है उन सारे सॉल्यूट का
मोलर मास हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जैसे कि मोलर मास अभी तो हम लोग एक दो देख चुके हैं, NaCl का ये होता है 58.5 ग्राम, इसको याद भी कर लेते हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ NH2CONH2, दिस इज व्हाट यूरिया, ये हम लोगों ने लिख रखा 60 ग्राम, मोलर मास ऑफ CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास भी 60 ग्राम होता है, मोलर मास ऑफ COOH2, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, तो दिस इज ऑल्सो 90 ग्राम, मोलर मास ऑफ C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऐसा कुछ रहा क्वेश्चन में, तो दैट हैव मोलर मास ऑफ 160 ग्राम, मोलर मास ऑफ C12H22O11, दिस इज 300 फ्रीक्वेंटली आई, ये सारा चीज सुक्रोज जिसको सुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज या सुगर, इसका 342 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ C2H5OH इथेनॉल, इसका मोलर मास 46 ग्राम, मोलर मास ऑफ CH3OH मिथेनॉल, इसका मोलर मास हो जाता है 32 ग्राम, और ऐसा कई सारा, तो आप लोग को भी जो जो कुछ मिलेगा उन सबको इधर में लिख के रखना है। मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट जैसे कि Na2SO4, दिस है 142 ग्राम, मोलर मास ऑफ Na2CO3 106 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaHCO3 84 ग्राम, मोलर मास ऑफ Na2SO4.10H2O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लोबल सॉल्ट, इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये क्वेश्चन आएगा इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये मोलर मास Na2SO4 है 142 ग्राम है, ग्लोबल सॉल्ट का होता है 142 और 380 322 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ H3PO4 एंड मैनी मोर, जो भी आपको दिखेगा वो आप लोग एक जगह लिख के रखोगे, तो ये सब कई तरह के कंपाउंड का मोलर मास है, उन सबको हम लोग एक जगह लिख कर रखेंगे, इतना लिखो कॉपी में लिखते जाओ, अगर लिखोगे नहीं तो सब फिर वो ऑनलाइन यूट्यूब का क्लास टाइप का फीलिंग आ गया, ऐसे देखने है, दिमाग में कुछ रहा नहीं, कुछ कंटेंट, यानी कि आपका देखना देखने में जो मेहनत जा रहा है वो मेहनत तभी फ्रूटफुल है जब आपको लिखते जाओ और रेगुलर क्लासरूम की तरह काम करोगे। तो चलो इतना देखने के बाद अब कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि आता है कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेका मोलर सॉल्यूशन, पेंटा मोलर सॉल्यूशन, पेंटी मोलर सॉल्यूशन एंड मैनी मोर, तो इस तरह का कुछ दिखा, तो सेमी करने का मतलब 0.5 एम, मतलब हाफ मोलर, डेसी करने का मतलब 0.1 एम यानी कि 1/10, डेका मोलर करने का मतलब 10 एम, पेंटा मोलर करने का मतलब 5 एम, पेंटी मोलर करने का मतलब 1/5 मतलब 0.2, इस तरह से कई कई जगह क्वेश्चनों में ये लिखा होगा, तो उस अनुसार आप लोग काम करोगे। एक क्वेश्चन लिखो, इतना लिखने के बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद ये सारा कुछ अगर आप लिख ले रहे हो उसके बाद लिखो ध्यान से, क्वेश्चन है कैलकुलेट
the mass of sulfuric acid that is required, calculate the mass of sulfuric acid that is required to made up 3 liter of semi-molar solution of it. To made up 3 liter of semi-molar solution of it. कि 3 लीटर अपने को सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। क्या है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर और सेमी मोलर यानी कि मोलरिटी इक्वल्स टू 0.5 ml, 3 लीटर है सेमी मोलर सॉल्यूशन है, 3 लीटर सेमी मोलर सॉल्यूशन है तो इसकी मोलरिटी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे भी आप जानो मोलरिटी में 0.5 है मतलब 0.5 मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में 0.5 मोल तो 3 में कितना 0.5 इनटू 3 इज इक्वल्स टू 1.5 मोल। अब आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता कितना, आप निकाल भी सकते हो और यहां से देख के लिखो तो 98 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल आ गया मोलरिटी आ गया, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बटे नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटे मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाउ मच 1.5, मोलर मास कितना 98, तो दिस इज 1147 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का वजन निकाल लेते हैं। कल हम लोग डाइल्यूशन के बारे में देखे थे और वो हम लोग देखे थे जो चीज वो यहां लिख देते हैं कि अपॉन डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन के बाद क्या क्या होता है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें पानी मिला देंगे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, कि सॉल्यूट का मात्रा में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यहां पर इस बात को आप लोग लिखो, ये क्वेश्चन करने के बाद इसको नोट डाउन करो, और इसको नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन लिखो 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू 2 लीटर ऑफ, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू 2 लीटर ऑफ पेंटामोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पेंटामोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन कैल्क मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, then calc molarity of resulting solution, तो resulting solution की molarity चाहिए, तो what is the molarity of resulting solution कैसे निकालोगे, तो question में क्या है कि 2 liter solution है और molarity है 5 ml, 2 liter solution है molarity कितना है 5 ml, और उसमें हम लोगों ने पानी मिला रखा है कितना 3 liter, तो बोल रहे हैं जो नया solution तैयार हुआ उस solution की molarity कितनी होगी। तो आप गौर से देखो कि ये 2 लीटर है उसे 3 लीटर मिलाए तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बिकम्स 5 लीटर, सही है। तो अब बताओ कि ये वॉल्यूम है ये मोलरिटी है, तो शुरू में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना रहा होगा 5 ml, कहने का मतलब क्या जाता है 5 मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में 5 मोल है, तो 2 लीटर में कितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा 2 × 5 = 10 मोल। तो चूंकि पानी मिलाने पर सॉल्यूट के मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें अगर 10 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो पानी मिलाने के बाद बाद में भी सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कितना हो जाएगा 10 मोल ही होगा, तो वॉल्यूम हो गया वो नंबर ऑफ मोल हो गया, इसलिए मोलरिटी, नया मोलरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम लोगों ने यहां भी देखा है मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज 10/5 इज इक्वल्स टू 2 ml। आप गौर भी करो कि पहले मोलरिटी था 5 ml और अब हो गया 2 ml, यानी कि बढ़ गया या घट गया, घट गया अपॉन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो इतना जो लिखने के बाद फिर से एक क्वेश्चन लिखो, 2 लीटर ऑफ 2 ml
एंड 3 लीटर ऑफ 2 लीटर ऑफ 2m एंड 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 2 लीटर ऑफ 2m एंड 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 डिकम्पोज सॉरी डिसॉल्व into each other, then calc molarity of reacting solution, then calc molarity of reacting solution. क्या चीज दिया हुआ है आप गौर से देखो, given यहां पर पहले 2 solution रहा था और उन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने तीसरा solution बनाया. ये पहला सॉल्यूशन है 2 लीटर और 2m और ये दूसरा सॉल्यूशन है 3 लीटर 3m. इन दोनों को हम लोगों ने मिलाया तो जो ये सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछा जाए. तो यहां पर वॉल्यूम है, मोलरिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इनटू मोलरिटी 2 × 2 = 4 मोल. यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 3 × 3 = 9 मोल. तो आप गौर करो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम 2 लीटर और 3 लीटर मिलाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 लीटर. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें 4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें 9 मोल सल्फ्यूरिक एसिड था, तो 4 + 9 = 13 मोल हो गया होगा. इसलिए मोलरिटी ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाउ मच, 13 / 5, दिस इज 2.6 m. सही है. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मोलरिटी कैसे कैसे निकाला जा सकता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप. Six liter of pentimolar solution of HCl and 4 liter of decimolar solution of HCl and 4 liter of decimolar solution of HCl are mixed together. Then calc the molarity of resulting solution if both of them, molarity of resulting solution if both of them is added in 10 liter of pure water. Both of them is added in 10 liter of pure water. 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर. यहां पर क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखना, इसको हम फास्ट बना रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 6 लीटर है और पेंटीमोलर सॉल्यूशन, पेंटीमोलर करने का मतलब 0.2 m, 4 लीटर है और डेसीमोलर है 0.1 m और पानी है 10 लीटर. तो आप बताओ कि 6 लीटर ये है, 4 लीटर है और 10 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 6 + 4 + 10 = 20 लीटर हो जाएगा यानी. ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 6 × 0.2, 6 × 12, 1.2 मोल हो गया. इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना होगा, 4 × 0.1 = 0.4 मोल. तो वाजिब है जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 1.2 + 0.4, हाउ मच, 1.6 मोल. तो इसलिए मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1.6 / volume 20, तो कितना हो गया, 0.08. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे मोलरिटी हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं.
आप लोग जो वीडियो देखते हो हमेशा स्क्रीन के ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन रहता है, उस क्वालिटी पर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके देखो, अदरवाइज ये सारा कुछ दिखना आप लोगों को मुश्किल होगा, ये सारा डाटा। तो डाटा बचाने के चक्कर में मत रहना, ये सबको क्वालिटी इम्प्रोवाइज करके 720 में, 1080 में, जिसमें देखना है वहां पर देखो कि ये सब कुछ स्पष्ट आप लोगों को नजर आए, अदरवाइज परेशानी होगी देखने में। चलो इतना सब कुछ हो गया, अब हम लोग क्या देखते हैं, एक अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग करेंगे क्या कि परसेंटेज को, मास परसेंट को मोलरिटी से रिलेट करेंगे। किसको किससे रिलेट करेंगे? मास परसेंट को मोलरिटी से रिलेट करेंगे। तो आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट, इतना जगह छोड़ने के बाद कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एक्स परसेंट, स्मॉल एक्स, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एक्स परसेंट सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूट, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एक्स परसेंट सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूट हैविंग मोलर मास कैपिटल एमबी, Having molar mass capital MB with density of the solution d gram per milliliter, with density of the solution d gram per milliliter। Okay, तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का और उस सॉल्यूट का मोलर मास कैपिटल एम बी है और उस सॉल्यूशन का फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी है डी ग्राम प्रति मिलीलीटर और उस सॉल्यूशन में एक्स परसेंट सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट जो है वो कितना प्रतिशत है, एक्स परसेंट। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखो, लेट अस कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सच सॉल्यूशन, कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा हम लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन कंसिडर कर लिए। ये जो हम लोगों ने कंसिडर किया, इस सॉल्यूशन का वजन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच, 100 ग्राम। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन की चूंकि डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डी ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो आप बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, और डेंसिटी बराबर होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, सही है ना। आप देखो कि मास जो है, मास है कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड डेंसिटी कितना है, डी ग्राम पर मिलीलीटर, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, देखो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को आ गया 100 बाय डी मिलीलीटर, यूनिट पर ध्यान देना, 100 बाय डी मिलीलीटर, सही है। तो लेकिन मान लो अपने को तो मोलरिटी चाहिए, मोलरिटी में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, तो ये तो मिलीलीटर है, अपने को तो लीटर में चाहिए, तो लीटर में करने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 बाय डी को 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर, यानी कि 1/10 लीटर, क्लियर है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब बताओ कि क्वेश्चन में दिया हुआ था दिस इज एक्स परसेंट सॉल्यूशन, एक्स परसेंट जैसे कि 2% करने का मतलब क्या, 100 ग्राम में 2 ग्राम होगा, 4% करने का मतलब क्या, 100 ग्राम में 4 ग्राम सॉल्यूट होगा, 5% करने का क्या मतलब, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो एक्स परसेंट सॉल्यूशन करने का मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट तो अपने को पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा जल्दी से बताओ, 100 ग्राम है उसमें x परसेंट, तो x ग्राम ही तो होगा,
100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें एक्स परसेंट सॉल्यूट है, मतलब क्या कि सॉल्यूट का वजन कितना होगा एक्स ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एमबी, सॉल्यूट का मोलर मास है एमबी, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कितना x डिवाइडेड बाय mv, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 1/10d, तो इस 10d को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10dx / mv, तो बन गया, इसलिए मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना हो गया 10dx / खत्म। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला भी अपने को आ गया, ये मोलरिटी और मास परसेंट के बीच रिलेशनशिप भी है, तो यहाँ पर आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना कि हेडिंग देके इतना जगह लिखने के बाद रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंट, मोलरिटी और मास परसेंट के बीच क्या संबंध होता है 10dx by mv, बाकी का मतलब अपने को पता है कि यहां पर here d बराबर क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, और कैपिटल mv क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, तो इतना सब कुछ लिखोगे, कैपिटल m क्या है मोलरिटी और x क्या है मास परसेंट, इतना लिखो, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl, कलर्ड पेन यूज करो मैं देख रहा हूं, कैलकुलेट the density of 10% solution of HCl having molarity 2m, molarity कितना है 2m है, ये मोलरिटी है 2m, और डेंसिटी जो है ये पूछ रहा है, और x 10% है मास परसेंट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है, क्योंकि HCl है तो HCl की मोलर मास 36.5 ग्राम, और डेंसिटी पूछा जा रहा है, तो आप ही बताओ क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10dx बाय mv, तो मोलरिटी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल्स टू 10dx बाय mv 36.5, तो आ गया, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 36.5 टू 73 बाय 100 मीन्स 0.73, ये डाटा जो है एज यूजुअल हम लोग मान मान के ले रहे हैं, तो ये सही गलत कुछ भी हो सकता है, डाटा में कोई दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बॉटल ऑफ कमर्शियल H2SO4 विकास, लिखो ए बॉटल ऑफ कमर्शियल H2SO4 इज लेबल्ड A bottle of commercial H2SO4 is labeled with 49% by mass, 49% by mass
हैविंग डेंसिटी, हैविंग डेंसिटी वन पॉइंट फाइव ग्राम पर सीसी, हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। Then calculate molarity of this solution. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक बॉटल है, जैसे लैब वगैरह में जाओगे तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा 49% सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ये जो है इको सॉल्यूशन उसमें 49% क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो x दे दिया 49% और डेंसिटी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.5 ग्राम पर सीसी। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता कितना है 98 ग्राम, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं मोलरिटी बराबर टेन डी एक्स बाय एम बी, तो टेन के जगह टेन, डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5, एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 49, बाय एम बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 98। तो 49 टू से और टू से 5, दिस इज 7.5 एम, इज इट और नॉट। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं क्या चीज का, सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है 3 लीटर ऑफ 49% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ब्रैकेट में लिखना हैविंग डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी, ब्रैकेट बंद करो, एंड 2 लीटर ऑफ 73.5% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ब्रैकेट में लिखो हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सीसी, 1.8 ग्राम पर सीसी ब्रैकेट बंद करो, आर मिक्स टुगेदर then calculate molarity of the resulting solution, are mixed together then calculate molarity of the resulting solution। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे, ध्यान से देखो कि वॉल्यूम दिया हुआ है और इन दोनों डाटा से मोलरिटी अपना निकल जाएगा। तो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, तो 3 लीटर, तो यहां पर से मोलरिटी कितना आएगा 10 dx by mv, तो 10 डी है कितना डेंसिटी 1.6, एक्स है कितना 49, बाय एमबी है कितना H2SO4 है तो 98, तो 2 16, 8 एम। इसी तरह से मोलरिटी अगर हम लोग बाद का देखें तो बाद वाले का मोलरिटी भी 10 डी एक्स बाय एमबी के हिसाब से 10, डी है कितना डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.8, x 73.5 by mv 98, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ये 3/4, तो 3/4 आया। तो यहां से देखोगे तो 18 है तो 9 27, तो 13.5 सही है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 लीटर ये और 2 लीटर ये मिलाए हैं तो 3 × 2 = 5 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितना होगा, आप गौर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, मतलब 3 × 8 = 24 मोल, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 13.5, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 2 = 27 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें चूंकि 24 मोल है और इसमें 27 मोल, तो 24 + 27 = 51 मोल हो जाएगा, इसलिए मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 51 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 = 10.2 m। तो इस तरह से मोलरिटी हम लोग निकालते हैं। तो मोलरिटी निकालने के लिए ये बेहतर तरीका है, एक और तरीका हम लोग जो सामान्य तौर पर निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए जिसमें 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को हम लोग मिलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं m1v1 + m2v2 = m3v3, या अगर 3 सॉल्यूशन को मिलाएंगे m1v1 + m2v2 + m3v3 = m4v4।
है क्या कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहेगा बाद में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतना ही रहेगा। दिस इज V1 M1 V2 M2 तो दिस इज V3 M3 सही। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल से कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कि हम लोग मोलालिटी के बारे में जानेंगे, व्हाट इज मोलालिटी, व्हाट इज नॉर्मलिटी, यानी कि अभी हम लोग अपना 4-5 दिन इन्हीं चीजों में व्यतीत करेंगे क्योंकि ये चैप्टर, ये चीजें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है सिर्फ इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स में इसका बृहद पैमाने पर उपयोग होता है। हम चाहेंगे ये इतना समय हम इसलिए और इतना सारा क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए काफी आसान और इजी लगे, तो इस वजह से प्लीज इन चीजों को अच्छे से देखना और ऑल द बेस्ट।